बांका जिले के अमरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सभागार भवन में रविवार के दिन वीडियो राकेश कुमार की अध्यक्षता में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपस्थित प्रधानाध्यापकों को संबोधित करते हुए वीडियो ने मतदाताओं के मतदान के लिए जागरूक करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रखंड क्षेत्र के सभी बूथों पर स्थित शौचालय की साफ सफाई विद्यालय के फंड से अविलंब कराना सुनिश्चित करें। बूथ पर खराब पड़े हुए चापानल को पीएचडी विभाग के द्वारा मरम्मत कराई जाए। साथ ही जिन बूथों पर शौचालय नहीं है तत्काल उन बूथों पर पीएचडी विभाग के द्वारा शौचालय निर्माण कराना सुनिश्चित करें। इस बार की विधानसभा चुनाव में संध्या 6 बजे तक मतदान कराने का निर्देश दिया गया है, इसलिए सभी बूथों पर बिजली की व्यवस्था कराना बिजली विभाग के द्वारा सुनिश्चित करें। मौके पर महदमपुर प्राथमिक विद्यालय पनसल्ला गाँव स्थित प्रोन्नत मध्य विद्यालय, लक्ष्मीपुर गाँव स्थित प्रोन्नत मध्य विद्यालय, भिखनपुर मध्य विद्यालय, बनहारा मध्य विद्यालय आदि विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने चापा नल खराब होने की शिकायत की, जिस पर मौजूद पीएचडी विभाग के कनीय अभियंता राकेश कुमार ने अविलंब सभी विद्यालय का निरीक्षण करते हुए खराब पड़े चापानल की मरम्मती करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर भवन निर्माण के एसडीओ अजय कुमार तांती, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिव नारायण ठाकुर, अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय, अवर निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, रामशंकर सहित समेत सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपस्थित थे। आचार संहिता को सख्ती से पालन कराने एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। इसी कड़ी में रविवार के दिन बांका एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में अमरपुर थाना परिसर से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो चपरी, नयाचक, पवई, दोनों मोड़, मेडियानाथ, संग्रामपुर, डमरिया होते हुए चिरैया पहुंची, जहां से वापस पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए थाना परिसर पहुंची। मौके पर एसडीपीओ ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है और सामाजिक तत्वों के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। मौके पर इन्होंने आम लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें एवं निर्भीक होकर मतदान के दिन मतदान करें। फ्लैग मार्च में थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय, अवर निरीक्षक राकेश कुमार, एसआईटी के जवान, स्थानीय चौकीदार व काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। बांका जिला के फुलीडूमर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय राजवाड़ा में शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हुए चावल समेत दो साउंड बॉक्स की चोरी की। चोरों ने तीन स्टील अलमीरा की ताला तोड़कर कागज को इधर उधर किया है। इस बाबत प्रधानाध्यापिका कुमकुम कुमारी ने थानों में अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया। थानों में प्रेषित आवेदन के अनुसार चोरों ने प्रधानाध्यापक कक्ष समेत तीन कमरों का ताला तोड़कर 2 क्विंटल 40 किलो चावल, 5 लीटर सरसों तेल एवं 2 साउंड बॉक्स की चोरी की। वहीं स्टील अलमीरा का भी ताला तोड़कर उसमें रखे दस्तावेज को उलट पुलट कर रख दिया। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि शनिवार की रात ग्रामीणों ने उन्हें फोन पर चोरी की घटनाओं की जानकारी दी। विदित हो कि आज से 2 माह पूर्व चोरों ने उक्त विद्यालय में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का असफल प्रयास किया था। ये मेरे स्कूल में मध्य विद्यालय राजवाड़ा में जो है चोरी हो गई है। हाँ, क्या चोरी हुआ है? चोरी जो है वो 26 तारीख के शाम में जो है 7:30 पर जो है चोर जो है यहाँ पर, हम तो घर चले गए थे 3 बजे विद्यालय बंद करके, शनिवार था, विद्यालय बंद करके घर चले गए थे और जो है वहाँ जब 7:30 जो है हमको 7:30 के बाद मतलब 8 बजे के आसपास जो है हमको सूचना मिली। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर वीडियो राकेश कुमार एवं थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने प्रखंड कार्यालय में संयुक्त रूप से सेक्टर पदाधिकारियों के साथ एक बैठक किया। बैठक में उपस्थित सेक्टर पदाधिकारियों को वीडियो ने प्रतिदिन अपने अपने मतदाता केंद्रों का भ्रमण करने का निर्देश दिया। साथ ही इन्होंने कहा बूथ पर असुविधा को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को सूचित कर अविलंब बिजली, पानी, शौचालय को दुरुस्त कराना है, ताकि मतदान के समय मतदान कर्मियों एवं मतदाताओं को कोई असुविधा नहीं हो। थानाध्यक्ष ने उपस्थित सेक्टर पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्व के लोगों के संबंध में अविलंब थाने में सूचना दे, ताकि स्वसमय वैसे लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जा सके। साथ ही चुनाव संपन्न कराने आ रहे अर्धसैनिक बल, पुलिस बल की रहने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के कमरों व अन्य जगहों पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे, ताकि चुनाव संपन्न कराने आए लोगों को कोई न हो। वीडियो ने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके के चुनाव संपन्न कराना ही हम लोग की पहली प्राथमिकता है।